सफलता शक्ल में नहीं काबिलियत से मिलती है। दिल्ली के पास एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जब वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची, उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। अखबार में दो विज्ञापन पड़े, एक जेट एयरवेज का और एक मैकडोनल्ड का। जेट एयरवेज को चुना और इंटरव्यू में यह कह दिया कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। जब वो मैकडोनल्ड पहुंची तो वहां इनके लायक की नौकरी जा चुकी थी और इनको मिली नौकरी झाड़ू पोंछा करने और बर्तन की, वो भी किया। उसके बाद इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया 1998 में, जब इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। वह टॉप 9 में नहीं पहुंच पाई लेकिन खुद की एक अलग पहचान बना दी, जिसके बाद सन 2000 में मशहूर टेलीविजन सीरियल मिला क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आपने देखा होगा। उसके बाद टीवी सीरियल रामायण और विरुद्ध में काम किया और अब इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि कैबिनेट मंत्री बन चुकी है। इनका नाम है स्मृति ईरानी। आपके पास भी हो सकता है अच्छी शक्ल हो या ना भी हो, लेकिन इरादे नेक और अच्छे होने चाहिए और लगातार प्रयास करने का मंसूबा और जज्बा और जुनून होना चाहिए। आज नहीं तो कल किस्मत आपकी चमकेगी जरूर, और जिस दिन चमकेगी उस दिन आपका पिछला जो संघर्ष है या जो कर्म ईमानदारी के साथ किए हैं उस सब का आपको लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है पर समर्पण बहुत कम लोगों के लिए होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 2 जनवरी रविवार देव पितृकारी अमावस्या का राशिफल। प्रिय साथियों, आज बहुत ही पुण्य दिन है इसलिए हर राशि के बाद विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज दुबई में हूं और 14 जनवरी मुंबई, 15 जनवरी नागपुर, 16 जनवरी इंदौर और 17 जनवरी को दिल्ली में रहूंगा। 28 से 30 जनवरी सूरत बड़ौदा अहमदाबाद की यात्रा पर रहूंगा। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन एक तो अमावस्या तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 4:22 तक मूला नक्षत्र और बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग का साथ मिलेगा, लेकिन आज 3 नए राजयोग बन रहे हैं, ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वृद्धि योग। अगर आपकी राशि मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यो के लिए शुभ समय की तलाश में तो आपको 2 बार मिलेंगे और आज चंद्रमा पूरे दिन धनुराशि में रहेंगे। सुबह 10:15 से 12:15 तक लाभ और अमृत का चौकड़ी और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़ी। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज 6 राशि का राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में जानेंगे नए काम में अड़चन को दूर करने के लिए देव पितृ कार्य अमावस्या पर विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में होगा हमेशा की तरह एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपके ज्ञान, विवेक, एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। चंद्रमा प्रॉफिट हाउस से 3:11 का संबंध बना रहे जिससे फाइनेंशियल लाभ के संकेत है। आपका व्यवसाय अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा लेकिन डिसीजन लेते समय भावुक न हो और ना ही जल्दीबाजी करें। आपके लिए भाग्यवादी दिन न होकर कर्मवादी दिन है इसलिए अपने काम पर विश्वास करें। वर्क प्लेस पर आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे और एक नई रणनीति बनाएंगे। आपका खर्च जरूर कम होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। पेशेवर मोर्चे पर आसानी से दिन आगे बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी जरूर सीखेंगे और कुछ सकारात्मक जनरेट करेंगे। आप अपनी और अपनों की भावनाओं को जरूर समझिए, आपकी कामयाबी में इसी से वृद्धि होगी। चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक अनुकूल और शानदार दिन बनाने में सफल होंगे और लक्ष्य भी हासिल करेंगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा, अनुभव मिलेगा, नहीं तो दांतों में और गले में तकलीफ परेशान कर सकती है, ख्याल रखिए। आज देव पितृ कार्य अमावस्या पर सुबह स्नान आदि कार्यों को करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में मछलियों के लिए जरूर डालिए, आपके जीवन की कई परेशानियों का आज अंत हो जाएगा। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार इनके साथ गेट टुगेदर, संडे को फंडे बनाएं, गिले शिकवे को दूर करें। चंद्रमा का बिजनेस हाउस से 2:12 का संबंध है जिससे व्यापार में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, जल्दीबाजी में निर्णय खराब हो सकता है। ग्राहकों के साथ उलझ बैठेंगे इससे बचिए। वर्क प्लेस पर अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर जरूर रखिए पर उन्हीं पर नजर मत रखिए वरना आपका खुद का काम खराब हो जाएगा। नौकरी में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपका मन करेगा छुट्टी लूं और बॉस आपको बुला लेंगे। जीवन साथी के साथ व्यवहार करते समय आपको धीरज, धैर्य और संयम के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत रखनी चाहिए। गुस्से और आवेश को बाहर रखिए, धैर्य और संयम से व्यवहार करेंगे तो मन में आप उतरेंगे वरना मन से उतर जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज
भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाइए, गिले शिकवे दूर करिए, माँ बाबूजी को इससे खुशी मिलेगी। जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आज सोच समझ कर एक नई रणनीति और स्ट्रेटेजी बनाइए। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष है, जिससे सेहत में थोड़ी तकलीफ और अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। आज देव पितृकारी अमावस्या पर काल सर्प अगर आपकी कुंडली में है, या ग्रहण दोष है, चांडाल दोष है, पितृदोष, श्रापित दोष या विष दोष है, तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर चांदी से निर्मित नाग और नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी वरना लव पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद को बुलाकर बॉन्डिंग अच्छी करिए। एक अच्छा गेट टुगेदर, एक अच्छा एंटरटेनमेंट भरा दिन बन सकता है। बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी और धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। आपकी कुछ परेशानियां आज समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगी। ज्यादा सोचे हुए काम आपके नहीं होंगे, बल्कि आप काम करेंगे तो काम ज्यादा बनेंगे। सोचने में समय मत खराब करिए। चंद्रमा का कर्म भाव से सुख और कर्म का संबंध बन रहा है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को फायदा जरूर होगा। आपके कामकाज से थोड़े अधिकारी नाखुश हो जाएंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती, इसलिए जो लोग सिंगल हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव भी मिलेंगे। घर परिवार में उचित कोऑर्डिनेशन बनाना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चे के लिए किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास का वातावरण बनेगा। शारीरिक और मानसिक थकान से बचने के लिए आज एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सहारा लीजिए। चंद्रमा का छठे भाव से द्वि द्वादश दोष बन रहा है, जिससे स्वास्थ्य और ट्रेवल में लापरवाही आपको बड़े तकलीफ में डाल सकती है। इंसान के लिए सबसे बड़ा उपहार उसका स्वास्थ्य होता है, उसकी सुरक्षा होती है, बाकी सारे उपहार फीके हैं। आज देव पितृकारी अमावस्या पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो। चींटियों को शक्कर मिलाकर खोपरे के जो पाउडर होता है उसके साथ चींटियों को दीजिए। ऐसा करने से पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म बढ़ेंगे। कर्क राशि, किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से आज छुटकारा मिलेगा। व्यवसायिक व्यवस्था को उचित रखने के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत है। रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग, सेल्स, परचेज से संबंधित कुछ समस्याओं का हल होगा। संडे को फंडे बनाने के लिए आज आपके भीतर एक मैकेनिक जागृत होगा और कुछ नया खेतीबाड़ी, कुछ फैशन फैशन हॉबी से संबंधित काम करेंगे। ऑफिस में शांति बनाना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी होगा। पैसों की आमदनी के प्रबल आसार है। चंद्रमा का कर्म भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे नौकरी में काम बनेंगे। बोलिए मत, काम करते जाइए। कामकाज समय पर पूरे हो, इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आज अधिकारी और कलीग के साथ मीटिंग बहुत शानदार रहेगी। परिवार में किसी नई प्लानिंग, आने वाले स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ट्रेवल के लिए आज प्लान बनेंगे। संभल कर रिश्तों को संभालिए, क्योंकि कुछ तल्खी आ रही है। छठे भाव में सूर्य चंद्रमा का अमावस दोष बन रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा परेशानी रहेगी। ऐसे लोग और एनवायरमेंट से दूरी बनाएं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पढ़ाई में अच्छा करें, सोच अच्छी है। आप दिन भर चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे आपके महत्वपूर्ण काम में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, परंतु चुस्ती से उन्हें पूरा जरूर कर लेंगे। देव पितृकारी अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाम के समय घर के ईशान्य कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। सिंह राशि, संतान सुख और संतान से सुख माँ बाबूजी को मिलेगा और बच्चों को पेरेंट्स के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करनी चाहिए। अपने दिल की बात को शेयर करना चाहिए। चंद्रमा का सेवंथ हाउस से 3-11 का संबंध बन रहा है, जिससे व्यवसाय विस्तार के लिए समय मिश्रित परिणाम वाला है। बाधाएं और मुश्किलें अब लगभग दूर होने लगेगी। अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। स्थितियां धीरे धीरे सही पर आपके पक्ष में जरूर आएगी। आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा और एक बड़ी इच्छा भी आज आपकी पूरी हो सकती है। यह आपके लिए शुभ दिन है। इसे अति शुभ बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए। अपने ऑफिस की एक्टिविटीज को विराम दें और परिवार की जिम्मेदारियों पूरा करें। संडे को फंडे बनाएं। करियर से संबंधित बातों पर बड़े बदलाव इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएंगे। अपने काम से संबंधित स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को कोशिश करके जरूर कुछ अच्छा करें, अलग करें। परिवार की जिम्मेदारी को निभा के आपको अच्छा लगेगा और परिवार में जो खुशी आएगी उससे आपका तनाव भी कम होगा। याद रखिए, खुद के लक्ष्य के पीछे इतना कार्यरत रहे कि आपको तनाव का वक्त ही न मिले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक सकारात्मक दिन है। चंद्रमा का छठे भाव से द्विद्वादश दोष रहेगा, जिससे आपको चोट, दुर्घटना या किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन का आज सामना करना पड़ सकता है। अलर्ट रहिए। आज देव पितृकारी अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवजी के मंदिर जाकर उन्हें एक रुद्राक्ष माला अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करें। कन्या राशि, माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिए और दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए। फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए।
व्यापार में आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच पाएंगे जब समय पर ऑफिस पहुंचेंगे। आज मन में स्पष्ट करिए कि क्या करना है। काम की अधिकता जरूर रहेगी लेकिन समझदारी और सूझबूझ से काम करोगे तो समय चुरा लोगे, जिससे फैशन, पैशन, हॉबीज और परिवार को भी वक्त दे पाएंगे। चंद्रमा का एकादश भाव से षडाष्टक दोष बन रहा है, जिससे उधार दिया हुआ पैसा मांगने में बिल्कुल भी संकोच न करें। कार्य क्षेत्र में बेकार के एक्टिविटीज में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। नौकरी में किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने या किसी नए व्यक्ति से मेल मुलाकात करते समय कोई भी ऐसा काम न करें जो आंख मूंद करके भरोसा करने वालों, इससे बचिए। संतान की तबीयत खराब होने से आप और आपके जीवन साथी थोड़े परेशान हो जाएंगे। केतु की पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से प्रेम संबंध में तनाव और कठोरता रहेगी। किसी अनचाहे मेहमान का आगमन पारिवारिक चिंता का कारण बन सकता है। चिंता को अपने शत्रुओं की सूची में पहले स्थान पर रखिए, मजा जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने विषय की बारीकियां समझिए, रटने की कोशिश न करें। देव पितृ कार्य अमावस्या पर सुबह शिवजी के मंदिर जाकर उन्हें कच्ची लस्सी, पुष्प, दीप और धूप, फल और मिठाई चढ़ाकर प्रार्थना करें। देव पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, समस्याएं दूर होंगी। प्रिय साथियों, आइए छह राशि के बाद बात करते हैं नए काम में अड़चन न आए इसके लिए देव पितृ कार्य अमावस्या पर क्या उपाय करें। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य दें और उसके बाद ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र की तीन माला जाप करें। घर से निकलते समय अपने माँ बाबूजी और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। साथ ही जिस स्थान पर नया काम शुरू कर रहे हैं उसके चारों कोनों में चार दीपक जलाएं और 1.25 किलो गुड़ किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को डोनेट करिए। तुला राशि, दोस्तों की मदद करना, मदद लेना, एटलीस्ट बॉन्डिंग को मजबूत करना, आपके काम आज बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे बिजनेस में सितारों का साथ आपके साथ है। किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का सहयोग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अपने माँ बाबूजी का हाथ पकड़कर रखिए, यकीन मानिए किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना है, कहीं से हो धन प्राप्ति के समाचार मिलेंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए मुद्दों को खुद सुलझाइए। चंद्रमा का कर्म स्थान से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाओं से आप चिंतित हो जाएंगे। जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में होगा। घर के वातावरण को सुखद और खुशनुमा बनाकर रखने में सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा। प्रेमी और प्रेमिका को डेटिंग के अवसर मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ रुकावटें मेहनत से दूर हो जाएंगी। सेहत के मामले में आज आप अनलकी रहेंगे, ध्यान रखिए। देव पितृ कार्य अमावस्या पर शाम को कुत्तों को जलेबी खिलाएं। ध्यान रखें कि घर में पल रहे पालतू कुत्तों को नहीं बल्कि गली मोहल्ले के। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्यों को निभाकर आशीर्वाद लूट लेंगे। व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की संभावना है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर बीच समझ और बॉन्डिंग बढ़ेगी। कुछ सकारात्मक सुनेंगे भी सही और सुनाएंगे भी सही, लेकिन गैर कानूनी काम करने से बचिए। चंद्रमा का कर्म भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे आधा दिन वर्क प्लेस पर और आधा दिन परिवार को देकर संडे को फंडे मिलाएंगे। दोस्तों की मदद मिलेगी और कोई मन के अनुरूप काम होने से आपको सुकून मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और उनका ख्याल रखें, आपको आज बहुत अच्छा फील होगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से खुशी बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक पॉजिटिव और जैसा आप चाहते हैं वैसा दिन है। ये याद रखिए कि चंद्रमा छठे भाव से नवम पंचम राजयोग बना रहे, डॉक्टर का इलाज और आज कोई ऑपरेशन ड्यू है तो उसे करवाना शुभ रहेगा। देव पितृ कार्य अमावस्या पर शाम किसी गरीब कन्या की शादी या पढ़ाई में आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं संकल्प लीजिए। नए साल में ये काम पूरा करिए, पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। धनुराशि, मन और स्वभाव को अच्छा रखिए, शांत रखिए, धन प्राप्ति की संभावना इसी से बढ़ेगी। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि व्यापार भाव पर होने से आपकी महत्वाकांक्षा नई सफलता की तरफ लेके जाएगी। करियर में आ रहे बदलाव आपके लिए लक्ष्यों को नजदीक लाने का काम करेंगे। जो भी डिसीजन लेना है दूर का सोच कर लीजिए। सैलरी बढ़ना, पद की उन्नति होना, जॉब में अप्लाई करना, आज आपके प्रयास अच्छे रहेंगे। संडे को फंडे बनाना और परिवार को वक्त देना, शांतिपूर्वक तरीके से दिन को गुजारना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संवेदनशील मुद्दों पर परिवार के साथ चर्चा न करें, सिर्फ एंटरटेनमेंट। चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे स्टूडेंट के लिए आज कोई व्यक्ति मील का पत्थर साबित होगा, तनाव को दूर कर देगा। आज मीठे पदार्थ का सेवन कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। देव पितृ कार्य अमावस्या पर गौ दान करें, अन्यथा गाय के लिए कुछ स्पेशल करें और ये उपाय आपको बहुत रास आएगा, बहुत पुण्य दिलाएगा। मकर राशि,
खर्चों और कर्जों में वृद्धि हो रही है, आमदनी वैसी नहीं हो रही, ध्यान दीजिए। चंद्रमा का सेवंथ हाउस से षडाष्टक दोष बन रहा है, जिससे बिजनेस में कुछ खास न कर पाने का मलाल रहेगा। जॉब में अपने द्वारा पूर्व में किए गए किसी गलत काम का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारी मंत्री ऑफिसर से आपको कोई गुस्सा या कोई भी ऐसी चीज सुनने को मिल सकती है जो आपकी गलती का होगा। आप ध्यान रखिए और अपने गुस्से पर आप खुद काबू रखें, वरना झगड़ा बढ़ जाएगा। जो कुछ भी क्रोध से प्रारंभ होता है वह शर्म पर खत्म होता है, याद रखिएगा। आपको अपने छोटे भाई बहन को जरूर मदद करनी चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए। आप कमजोर और अस्वस्थ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसा ही करेंगे, इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ खोज करिए, लाभ मिलेगा। चंद्रमा का पंचम भाव से षडाष्टक दोष स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को किसी मुसीबत में डाल सकता है, ध्यान रखिए। अपने मनोबल को कम मत होने दीजिए। शादीशुदा लोगों को ससुराल से संबंध अच्छे बनाने चाहिए, इसी से लाभ मिलेगा। आज देव पितृकार्य अमावस्या पर शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें घर में एकता के लिए। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करेंगे। बिजनेस में फाइनेंस से संबंधित गतिविधियों पर लापरवाही न करें। टैक्स से संबंधित कई फाइलों को कंप्लीट करना जरूरी है। इस समय कार्य क्षेत्र की छोटी छोटी बात आपको तकलीफ डाल सकती है, इसलिए बारीकी से इनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन दूर हो जाएंगी। कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो मिल सकती है। चंद्रमा का सेवंथ हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे घर परिवार में सुखद और खुशनुमा माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमी बढ़ने से इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर बढ़ेगा, इसलिए शक और तनाव को दूर करिए। योग प्राणायाम मेडिटेशन का सहारा लीजिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, प्रैक्टिस और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करिए, वरना चंद्रमा का छठे भाव से षडाष्टक दोष आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देगा। देव पत्रकारी अमावस्या पर आज दिन ढलने से पहले अपनी क्षमता के अनुसार या वजन के बराबर 7 प्रकार के अनाज लोगों में बांटिए और पक्षियों को दीजिए, लाभ मिलेगा। मीन राशि, राजनैतिक उन्नति होगी, नए लोगों से मेल मुलाकात बढ़ेगी, बिजनेस में नई योजना बनने के भी योग है। और चंद्रमा का धन भाव से नवम पंचम राजयोग, कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। आप कुछ प्रोफेशनल सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए, इमोशंस को घर के बाहर रखिए। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी और दोपहर के बाद आपके काम की तारीफ होगी और संडे को फंडे बनाने का एक कोऑर्डिनेशन परिवार के साथ शानदार होगा। अपने घर परिवार के सदस्यों को आप अपनी कंपनी का आनंद जरूर देंगे। परिवार जहां जीवन शुरू होता है और प्यार कभी वहां खत्म नहीं होता है। घर से बाहर निकलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना और किसी ट्रेवल का भी आज आप हिस्सा बन सकते हैं। अपने साथी के साथ टेलीफोन पर बात करना, दूर दराज बैठे हुए लोगों से मेल मुलाकात और बातचीत सोशल मीडिया के द्वारा हो तो आपको रास आएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक शानदार और यादगार दिन है। आज देव पितृकार्य अमावस्या पर एक कटोरी में आटा लें, उसमें गुड़ मिलाकर रोटी बनाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों की रोटी का भोग लगाएं, फिर ये रोटी गाय को खिलाइए, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आइए आज के कार्यक्रम के बाद बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह है तो आज का दिन शुभ है। तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को संभल कर रहना चाहिए। फिर भी आज आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद एक लोटे में पानी लें, उसमें 2 लौंग डालिए और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र की एक माला जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। धरती पर गिरे हुए जल को ललाट आंखों पर, कंठ पर लगाइए, पुण्य मिलेगा, राशि के संकट दूर होंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।